क्या आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, और आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं वॉशिंग मशीन में ऐसे क्या चीज़ डिटर्जेंट के साथ और मिला दूं जिससे कपड़े बहुत ज़्यादा साफ सुथरे, रंगीन कपड़े का कलर और ज़्यादा बढ़िया और वाइट कपड़े बिना किसी पीलापन के साफ हो जाएं, तो आप सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आपको पता है, सबके पास समय की कमी है और इसी समय की कमी की वजह से वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ। लेकिन वॉशिंग मशीन में केवल कपड़े डाल देने से, डिटर्जेंट डाल देने से काम पूरा नहीं हो पाता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद भी कपड़े निकाल के हाथ से ब्रश भी करना पड़ता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसी परेशानी को देखते हुए मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं मिस्टर राकेश पांडे जी, उन्होंने भी एक कमेंट किया है कि सर, ऐसा क्या चीज़ हम वॉशिंग मशीन में मिला दें जिसको मिलाने से सफ़ेद कपड़े हों या वाइट कपड़े हों दोनों एकदम से साफ हो जाएँ और अधिक अलग से कुछ हमें और एफर्ट न करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहिए और यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस समस्या से अपने आप को निजात दिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दो केमिकल के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहला है हाइड्रोजन परॉक्साइड। हाइड्रोजन परॉक्साइड एक बहुत ही प्रभावशाली ऑक्सीडेंट केमिकल है जिसको हॉस्पिटल में, लाउंड्री में बहुत जगह इसका यूज होता है। लेकिन लाउंड्री में जब भी आपको हाइड्रोजन परॉक्साइड यूज करना हो 50% पावर का लीजिए, लेकिन इससे अगर आपको कम पावर का मिलता है तो भी आप यूज कर सकते हैं। बस बशर्ते यह है कि जहाँ पे 50 ml लगना हो वहाँ पे 80 ml लग सकता है, 100 ml लग सकता है। हाइड्रोजन परॉक्साइड मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन 50% वाला नहीं मिलता है। आपको 3% से लेकर 25% या 30% की कंसंट्रेशन का आपको हाइड्रोजन परॉक्साइड आसानी से मिल जाएगा। आइए समझते हैं इसको यूज कैसे करना है। जो भी वॉशिंग मशीन आपके घर में हो, 6.5 kg का हो, 7 kg का हो, 12 kg का हो, उसमें रेशियो यह है कि कम से कम 20 लीटर पानी में 50 ml आप हाइड्रोजन परॉक्साइड 50% का उसमें डालिए और पानी मशीन में भर लीजिए, फिर उसमें हाइड्रोजन परॉक्साइड मिला लीजिए, उसके बाद उसमें कपड़े डालिए। डायरेक्ट कपड़े डाल के उस पर हाइड्रोजन परॉक्साइड नहीं डालना है। हो सकता है कुछ कपड़े ऐसे हो जिसको डायरेक्ट कंसंट्रेट हाइड्रोजन परॉक्साइड उस कपड़े पर पड़ेगा तो कपड़ों का रंग खराब हो सकता है, लेकिन जब ये पानी में मिल जाएगा उसके बाद आप डिटर्जेंट मिलाइए, उसके बाद आप कपड़े डालेंगे तो कपड़े के कलर पे कोई खराबी नहीं होगी और कपड़े अच्छे से साफ भी होंगे। अब रही बात कि क्या इसको दोनों कपड़ों में यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब व्हाइट में और रंगीन में। जी हाँ, आप दोनों तरह के कपड़ों में इसको यूज कर सकते हैं। जो कपड़े आप वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। इसको डालने से ये होगा कि रंगीन कपड़े हों या व्हाइट कपड़े हों दोनों से दाग धब्बे निकलेंगे। व्हाइट कपड़ों से पीलापन निकलेगा, रंगीन कपड़ों से भी मैल निकलेगा और उसका कलर थोड़ा वाइब्रेंट हो जाएगा। सावधानी यह है कि हाइड्रोजन परॉक्साइड अगर आपको 50% पावर का हो तो डायरेक्ट स्किन के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर संपर्क में आएगा तो लगने के 2-4-10 सेकेंड के बाद आपको चुनचुनाहट बहुत ज़्यादा होने लगेगी और व्हाइट इस पर कुछ निशान से भी आ जाएंगे जो 2-3 दिन में अपने आप निकल जाते हैं। ज़्यादा इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सुझाव यही है कि आप हाइड्रोजन परॉक्साइड किसी बर्तन में, किसी प्लास्टिक के कंटेनर में निकालिए और पानी भरने के बाद उसमें डाल दीजिए। तो ये रहा हाइड्रोजन परॉक्साइड का यूज। आइए अब चलते हैं दूसरा जो केमिकल है उसका नाम है अमोनिया, जिसको NH4 भी कहते हैं। अमोनिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन हाइड्रोजन परॉक्साइड से थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इन सेंस, जैसे ही ये पानी में मिक्स होगा बहुत तेज आसपास बदबू फैल जाती है। बदबू फैलने का मतलब, जितनी ज़्यादा बदबू होगी समझिए उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है। दोनों को यूज करने की प्रक्रिया यही है कि पानी भरने के बाद ही अमोनिया को आप उसमें डालिए, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं डालना है। ये भी व्हाइट कपड़ों से पीलापन, दाग धब्बे निकालेगा, व्हाइट को और ज़्यादा व्हाइट करेगा। रंगीन कपड़ों में भी दाग धब्बे हैं उसको निकालेगा और उनके कलर को और ज़्यादा चमकदार, ब्राइटनेस प्रदान करेगा। और इन दोनों को नॉर्मल तरीके से, जैसे आप डिटर्जेंट के साथ धुलते हैं उसी तरीके से धुलना है। आवश्यकता अनुसार कोशिश करिए डिटर्जेंट, अमोनिया और हाइड्रोजन परॉक्साइड तीनों को एक साथ नहीं मिलाने का। कभी हाइड्रोजन से धुलिए, कभी अमोनिया को डालिए। अब रही बात अमोनिया के साथ, एक और सावधानी बरतने की बात यह है कि कभी भी अमोनिया को किसी भी ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हो,
हाइपो हो, रिन आला हो, उसके साथ आपको नहीं मिलाना है। नहीं तो कुछ इस तरह की गैस निकलती हैं जो आसपास के वातावरण के लिए या वहाँ पे जो भी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इन दोनों केमिकल को किसी ऐसे जगह पर रखिए जहाँ बच्चों के पहुँच न लगे, डायरेक्ट धूप न पड़ती हो और नॉर्मल वातावरण हो। बच्चे या कुछ जो पेट होते हैं घर में, जैसे कुछ लोग कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, उनके भी संपर्क में न आए तो बेहतर होगा। इन दोनों को यूज करिए नॉर्मल तरीके से, डिटर्जेंट के साथ आप मिला सकते हैं। एक सवाल ये भी उठता है, क्या धुलने के बाद और कुछ करना चाहिए? अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे अंतिम रिंस साइकिल में आप एसिटिक एसिड को प्रयोग कर सकते हैं। और एसिटिक एसिड आपको नहीं मिलता है तो घर में जो विनेगर है उसको भी तकरीबन एक लॉट में 50 ml या 100 ml डाल सकते हैं। 50 ml अगर एसिटिक एसिड 50% का आपको मिलता है या 90% का तो डाल सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर भी नहीं मिलता है तो आप 2-3 नींबू का रस भी सबसे लास्ट वाली साइकिल में डाल देने से कपड़ों में एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी जो आप कपड़े जब पहनेंगे तो आपको तरोताज़ा रखेगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चैनल आपके लिए उपयोगी लग रहा हो तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, आपने ध्यान से देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।